इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ध्रुव राठी ने बनाया है इसे। बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत जबरदस्त जानकारी उसमें दी हुई है। लेकिन इसको लेकर जो है कुछ पत्रकार उसके खिलाफ हैं, तो कुछ पत्रकार इसकी बहुत सराहना कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें इस वक्त चल रही है, लेकिन हम अपनी ओर से ध्रुव राठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने विदेश में रहते हुए भारत की इस स्थिति को लेकर बढ़िया वीडियो बनाया है। और साथ ही हमारे उन साथियों का जो हरियाणा के दूरदर्शन को बचाने के लिए 417 दिनों से जो लोग इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात भी उन्होंने उसमें शामिल की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्रुव राठी जी, कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी। अगर बात हम करें आंदोलनों की जो कि इस वक्त चल रहे हैं या पहले से भी चल रहे हैं, तो कुछ आंदोलन आपने छोड़ दिए। ओल्ड पेंशन फिर से लागू करने वाला आंदोलन और मंडल कमीशन प्रमोशन में रिजर्वेशन, आकाशवाणी के गेजुअल कर्मियों का नियमितीकरण, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जो कांग्रेस सरकार के दौर से अब तक जारी हैं। सरकारी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर जो है बहुत अच्छी बात, बहुत सारी जानकारियां आपने ध्रुव राठी जी आपने दी अपने वीडियो में, लेकिन आप कुछ घटनाओं को आपने भी छोड़ दिया। शायद मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे कांग्रेस सरकार के समय डीएमके के नेता करुणानिधि की बेटी कनिमोझी और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और द्रमुक नेता ए राजा को टेलीकॉम सेक्टर के एक ऐसे केस में 15 महीने तक तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था जो केस बाद में फर्जी साबित हुआ था, लेकिन मीडिया का इस्तेमाल करके उनकी खूब बदनामी करवा दी गई। कांग्रेस के दौर में ही सीबू सोरेन को जेल में डाला गया था, साधारण ट्रेन में बिठाकर रास्ते भर उनका तमाशा बनाकर दिल्ली से धनबाद ले जाया गया था। मुलायम सिंह के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का केस इसी दौरान खुला था। मीडिया के इस्तेमाल को या फिर मीडिया का गलत इस्तेमाल को लेकर भी आपने जो बहुत सारी जानकारियां दी हैं, बहुत इसके लिए साधुवाद। और हम बहुजन पत्रकार जो है हमेशा से ये बातें उठाते रहे हैं, लेकिन आपने बेहतर तरीके से बात कही। जो एक गोदी मीडिया नाम का जो एक संबोधन है, वो भी शायद हम ही में से किसी पत्रकार ने ये दिया था और ये बहुत चलन में भी है। लेकिन आपने कांग्रेस के ज़माने में किए गए मीडिया के गलत इस्तेमाल का जिक्र करना शायद आप भूल गए। बहन कुमारी मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर और पार्क के में घोटाले के केस बनाए गए थे जो आज तक साबित नहीं हो पाए, लेकिन मीडिया का इस्तेमाल करके बदनामी इस हद तक कर दी गई कि लोगों को ये लगने लगा कि मायावती गुनाहगार ही है। लालू यादव सरकार में चारा घोटाले में मुख्य आरोपी मिश्रा आदि का किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन मीडिया का इस्तेमाल करके लालू यादव को इतना बदनाम किया गया कि चारा घोटाले के वो पर्याय जैसे बन गए। और ध्रुव राठी जी, आपने भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो है एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के समय में बीजेपी के किसी भी नेता को जेल में नहीं डाला गया था। और क्यों, इसकी एक खास वजह है, क्योंकि चुनावों के समय में अक्सर जिस रॉबर्ट वाड्रा का खूब जिक्र होता है जमीन घोटाले को लेकर, जब सरकार बनती है बीजेपी की, तो रॉबर्ट वाड्रा का जो जिक्र है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन वहीं पर हम एक बात और देखते हैं कि ये सब आखिर किस खास वजह से होता है, कौन सा प्रिविलेज जो है वो यहाँ पर काम करता है। वो ये है कि एक तरफ जहाँ हेमंत सोरेन को जगह जगह चप्पे चप्पे में पुलिस तलाश करके उसे गिरफ्तार कर लेती है एक दो समन के बाद ही, वहीं सात समन के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं होते और फिर भी जो है ईडी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, सरकार भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाती। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी एक आरोप लगा के सरकारें गिरा दी जाती रही हैं, या फिर जो सांसद है विधायक वो तोड़ लिए जाते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में तोड़ लिए जाते हैं। लेकिन ये क्या आज ही हो रहा है? ऐसा तो पहले भी होता रहा है।
और सरकारें गिराई जाती रही हैं, सांसद तोड़े जाते रहे हैं, और सांसद अगर जांच की डर से अपना दल छोड़कर या अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो जांच से डर रहे हैं, और जांच से डर रहे हैं इसका भी साफ मतलब ये है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो चोरों को डरा कर अपना बहुमत तो तब भी बना लिया जाता था, इसलिए तो 1960 के दशक में एक नारा आया था, आया राम गया राम। विधायकों को दल बदलने से रोकने और सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा था। और रही बात राष्ट्रपति शासन लगाने की, तो आपने बहुत सारी जिक्र किए हैं बहुत सारी घटनाओं का, बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन थोड़ा सा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आप अगर वहां पर और शामिल कर देते तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 356 जिसका इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ऐसा इंदिरा जी के काल में कम से कम 50 बार हुआ है। आप भूल गए शायद, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बिना कोई कारण बताए केरल में 31 जुलाई 1959 में गिरा दी गई, क्योंकि नेहरू जी को कम्युनिस्टों की सरकार पसंद नहीं थी। 1976 में इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में करुणानिधि की पूर्ण बहुमत की डीएमके सरकार उस वक्त गिरा दी थी। वजह थी भ्रष्टाचार का एक ऐसा आरोप जो कभी साबित ही नहीं हुआ। राज्यों की नापसंद सरकारों को गिराने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। आज़ादी के बाद पूरे देश में कांग्रेस की राज्य सरकारें थी, तो नेहरू को लगा कि एक राज्य में दूसरे दल की सरकार कैसे हो सकती है। एनटीआर के साथ कांग्रेस ने क्या किया ये तो आप जानते ही हैं। पंजाब में कुल मिलाकर 10 साल राष्ट्रपति शासन रहा, पूरे 10 साल। इंदिरा गांधी ने कुल 35 मुख्यमंत्रियों को हटाया। बाद में इंदिरा को हराकर जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कांग्रेस शासित तमाम राज्यों की सरकारों को हटा दिया, यानी कुल मिलाकर बदले की कार्यवाही से देश चल रहा था। 1970 से 80 के बीच 49 बार राज्य सरकारों को गिराया गया। नरसिम्हा राव ने बिना किसी वाजिब वजह के 1992 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की विपक्ष की सरकारों को गिरा दिया और वहां का शासन अपने हाथ में ले लिया, जबकि बाबरी मस्जिद तो यूपी में थी। तो ध्रुव राठी जी, ये बताइए क्या इसको तानाशाही आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने अपने वीडियो में भारत की सरकार की तुलना उत्तर कोरिया से की है। क्या इस वजह से उत्तर कोरिया से इस सरकार की तुलना की जा सकती थी? पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं, आजादी के बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक 5 लोकसभा चुनाव जीते। किसी ने नहीं कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया या लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन विपक्ष अपनी कोशिशों में लगा रहा और 1977 में कांग्रेस हार गई। अब जब बीजेपी ने सिर्फ 2 बार लोकसभा चुनाव जीत लिया तो यही लोग कहने लगे कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। हालांकि चुनाव में धांधली होने से चुनावों का कोई महत्व नहीं रह जाता, और इसीलिए ये कह सकते हैं कि मशीनों से वोट देने का जो ये तरीका है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन ध्रुव भाई, आपने ये नहीं बताया कि 2009 का चुनाव कांग्रेस ने इसी तरह जीता था, और ये बात वामन मेश्राम तब से कह रहे हैं। वैसे ध्रुव राठी जी, आपने वीडियो बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही बढ़िया बनाया, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपने उसमें कही है, हालांकि हम बहुजन पत्रकार जो हैं वो हमेशा से ये सारी बातों का जिक्र उसमें करते रहे हैं, लेकिन उसका उतना असर नहीं हुआ या उस वीडियो को कांग्रेस ने उतना शेयर नहीं किया जितना आपके वीडियो को हो सकता है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये बात बताई है, और लेकिन कुछ घटनाओं का जिक्र करना आप भूल गए। हमने सिर्फ उन्हीं कुछ घटनाओं की याद दिलाई है। आपके वीडियो का हम यहाँ पर किसी प्रकार से विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ जो बातें आप भूल गए, हम वो बातें आपको बता रहे हैं। हालांकि अगर आप उन बातों का जिक्र करते तो शायद कांग्रेस वाले उस तरह से उस वीडियो को शेयर नहीं करते, फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन एक बात है, संविधान जो है वो खतरे में तो तब से है जब से वो बना है, और एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र तब भी खतरे में आता है जब लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी जो है वो न्याय को तलाशने में, अदालतों के चक्कर लगाने में निकाल देते हैं।